आप सब दोस्तों को भी दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे चाहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और एक दूसरे के साथ खुश रहें। तो आज का हमारा ये व्लॉग है सुबह की रूटीन का, तो इंशाल्लाह हमारी गांव की सुबह किस तरह होती है वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये जनाब गांव में भी एक कॉलोनी बन रही है, आपको ये देख लें पीछे सब नज़र आ रहा है, कॉलोनी बन रही है। और ये देखें खरीद फरोख्त के लिए प्लाट पड़े हैं जो आपको दिखा रहे हैं। गांव की सुबह किस तरफ हो रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी आज ना सैर तो काफ़ी पहले भी मैं करता हूँ, लेकिन आज की जो तरोताज़ा हवा है उसका बहुत ही फायदा है। जो शहरों में गर्दो गुबार और धुओं की वजह से ना काफ़ी मसला बनता है इंसान को, लेकिन इधर माशाल्लाह काफ़ी रौनक बनी हुई है। और ये देखें आपको नज़र आ रहा है पीछे सारे घर ही घर हैं, और आगे भी आपको दिखाते हैं वो घर कैसे हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और जो सैलाब से मुतासरीन हैं वो भी इधर आए हुए हैं अपनी भैंसों को लेकर, तो इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं कि जब दरियाओं में पानी चला आया तो उन्होंने अपने जहाँ पर खाली जगह देखी उन्होंने उधर ही डेरा लगा लिया और सारा दिन चरवा शुरू होके आते हैं भैंसों को, और कहीं से पट्ठे मांग के लाते हैं पैसों के लिए, चारा जो मांग के लाते हैं वो खिला देते हैं उनको। और ये देखें और ये देखें पीछे आपको सारी भैंसें बैठी हुई नज़र आ रही हैं। निकल रहा है तो ये देखिए कैसा प्यारा मौसम बना हुआ है। बहुत ही प्यारी हवाएं चल रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बच्चे स्कूल की तरफ रवा दवा, आप क्लोज करके दिखा देते हैं। शहरों से गांव की तरफ लोग सैर व तफरी के लिए आ रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही शहर से एक आदमी आया, उसने ये कॉलोनी ख़रीदी है और ये इधर कॉलोनी विलेज में बना रहा है। ये देखिए बच्चे स्कूल इधर उधर जा रहे हैं, और ये देखें जिनकी पैसे हैं वो इस तरह बैठे हैं। और ये देखें सुबह का वे किस तरह जा रहे हैं, वो देखें जा रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। देहात में बैठ के सफेदे की लकड़ी बना रहा है। और ये देखें देहातों में भी आज देहात भी फैंसीएबल हो रहे हैं। ये देखें मकान माशाल्लाह बहुत अच्छे ही बनाया हुआ है।
कमांद की फसल भी लगाई हुई है। तो बच्चे स्कूल की तरफ रवाना है। और ये देखें सुपर गार्ड दाएं लगा हुआ है और साथ में जनाब काफ़ी घर बने हुए हैं, तो सेल हो चुके हैं। अब देहातों में भी, देहात भी शहर की तरह बनते जा रहे हैं। देखो अब देहातों में डेयरी फार्म ही बने हुए हैं और दूसरा क्या कहते हैं उसे, लेकिन देहातों में भी हर सहूलत शहरों जैसी होती जा रही, क्योंकि आज का लोग बहुत ही समझदार हो रहे हैं। क्योंकि जो देहात से काम करने बाहर जाते हैं तो बाहर की लोकेशन देख के, अगर जिसके पास कोई पैसा वगैरह हो तो वो देहातों में भी मकान बनाकर किराए पे दे रहे हैं। पहले इस तरह होता था कि विलेज में के लोग ना अपने मकानों में ना रिहाए बिठा देते थे कि यार जब तक आपने बैठना है बैठ जाओ, कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखें माशाल्लाह उन्होंने मकान बनाए हुए हैं और मकान के जो अंदर है उन्होंने सफ़ेद लगाए हुए हैं कि हमारे जब सफ़ेदे बड़े हो जाएंगे, जब हमने मकान बनाने हो उस वक्त हम सफ़ेदों को गिरा देंगे और मकान बनाए। आज कल दुनिया बहुत ही फास्ट चल रही है भाई, ये देखें सुबह की रूटीन, तरोताज़ा आबो हवा, बहुत ही सादा सिंपल माहौल। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अभी आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ कि टाइम भी तकरीबन 7 बजने वाले हैं, तो मैंने भी अभी शॉप पर जाना है। तो इंशाल्लाह अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, दुआ में हमें याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। तो इंशाल्लाह अभी आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि दुकान पे जाने का टाइम भी हो रहा है, तो अभी नाश्ता भी करना है और दुकान पे भी जाना है। नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपको और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल बटन पर क्लिक भी कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ और मिलेंगे। अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.